तू सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हमारे 12 विश्राम समाप्त हो चुके हैं और उसी के साथ हमारा बाल कांड भी समाप्त हो चुका है। तो अब हम अपना द्वितीय सोपान अयोध्या कांड प्रारंभ करेंगे अपने 13वें विश्राम के साथ। तो चलिए, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजयते, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल, विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्व व्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाली श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों में लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ, सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देख कर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख कर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए उनके अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार कर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलक शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन है, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद हो, मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों को, रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह कर दिया, अर्थात सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन
वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चमर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजवाए। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुल के धोकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह किया इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गुसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है।
श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज ऐसे प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिसे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, अर्थात सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र ही आवें, राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ चक्री देवता विघ्न बना रहे हैं। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। वह पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार से पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं, आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगह सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर देख कर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है, मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और प्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर शब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रहे घर फोड़ी कहीं की, जो भी
फिर कहीं ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्रीराम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक ही होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे, यह भी दे कि श्री राम चंद्र पुत्र और सीता बहु हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा, तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं भी ठुकुर सुहाती कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं अब रानी हो जाऊंगी, अर्थात रानी होने से तो रही, हमारा स्वभाव तो चलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहैतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार होती है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाम लगाकर हर्षित हुई, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा पहले ही नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है और बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंद दो, अर्थात सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है, राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानते ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी थाह कोई नहीं पाता, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हेमाई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं जाता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े, होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोली, क्या पूछती हो, अरे तुमने अभी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अर्थात मित्र और शत्रु को पशु भी पहचान लेते हैं, पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है, आज मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है, यदि मैं कुछ झूठ बनाकर कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा, यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया।
मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु ने विधाता विनता को दुख दिया था, कौशल्या तुम्हें देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज धरो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को पूरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलती जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानी मत मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा, रात चौगना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है, न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं।
अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए, उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़े पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय किस लिए रिसाई हो, अर्थात किस लिए रूठी हो, हे रानी किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं, कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा, मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी तेरा मन चीता हो गया, नगर में घर घर के आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तुम मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ पाल तोड़ छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मरोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठे मूठे दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है।
यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई है, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हड़ी आंखों की टोपी खोल दी है। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अब यहाँ से हमारा कुछ दुखद यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसमें राजा अपने शरीर का त्याग करेंगे और देवताओं की चाल से मंथरा के द्वारा कैकेयी के दिमाग में जो चीजें बोई गई हैं उनका फल हम अगले विश्राम में देखेंगे। तब तक के लिए आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो इसलिए अपने आप को सावधान रखिए और प्रयास कीजिए कि प्रभु का नाम लेके अपने सारे कार्यों को सफल कर सके। तो बोले जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।